हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल असीजाल्स मैट्रिक्स। सो आज की जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत यूजफुल है जो पीटी बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी पीटी की तैयारी स्टार्ट की है। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ पीटी का जो भी पैटर्न है वो क्लियर करूंगी, पीटी के टाइप्स, पीटी के कितनी कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी किस वीजा पर्पस के लिए है, और सबसे बेसिक जो क्वेरी होती है स्टूडेंट की हर मॉड्यूल की टाइमिंग क्या रहती है, ये सारे डाउट्स मैं आज इस वीडियो में आपके साथ क्लियर करूंगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में बताने में हेजिटेट मत करें। सो लेट्स डू दैट। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमारी पीटी की टाइप्स है वो थ्री टाइप्स की होती है, थ्री कैटेगरीज है पीटी की। फर्स्ट वन इज पीटी एकेडमिक, सेकंड इज जर्नल एंड थर्ड इज यूकेवीआई। अब तीनों में डिफरेंस बताऊंगी मैं आपको। फर्स्ट क्या है हमारे पास, पीटी एकेडमिक। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो पीटी एकेडमिक होती है वो ओनली स्टडी वीजा के लिए है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीटी एकेडमिक बेसिकली इमिग्रेशन एंड स्टडी वीजा दोनों के लिए है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है पीटी एकेडमिक के लिए ही अपियर होते हैं। सेकेंड अपनी जो टाइप है वो है पीटी जर्नल। अगर किसी को अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपनी चेक करनी है, उसके लिए जो उन्हें एग्जाम देना पड़ता है वो है पीटी जर्नल। ये बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि एक लर्निंग पर्पज के लिए आपका कंडक्ट किया जाता है। थर्ड एंड द लास्ट इज यूकेवीआई। जैसा कि ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, यूके इज यूनाइटेड किंगडम। इफ यू वॉन्ट टू गो यूनाइटेड किंगडम तो उसके लिए जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड यूकेवीआई। बेसिकली ये जो एग्जाम होता है स्टडी एंड वर्क वीजा, ये दोनों के लिए ही होता है। सो अब सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पीटी के मॉड्यूल्स। सो चार मॉड्यूल्स होंगे आपके पीटी एग्जाम में। फर्स्ट इज स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। सो सेम सीक्वेंस आएगा, लाइक आपको पहले स्पीकिंग का एग्जाम आएगा, देन राइटिंग, देन रीडिंग एंड लास्ट वन वुड बी योर लिसनिंग। सो हर मॉड्यूल, अगर मैं इंडिविजुअल बात करती हूँ, हर मॉड्यूल जो है वो 90 में से इवेल्युएट किया जाएगा। स्पीकिंग का 90 में से, राइटिंग का, रीडिंग का, लिसनिंग का, इंडिविजुअली भी वो 90 में से स्कोर दिया जाएगा आपको। अगर मैं चारों का ओवरऑल की बात करती हूँ, ओवरऑल जो स्कोर है वो भी आपको 90 में से ही दिया जाएगा। सो सेकंड जो है पीटी का, जो आपका एग्जाम है वो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। कंप्यूटर के थ्रू ही ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा और असेस किया जाएगा। लाइक इसमें आपका जो भी पूरा प्रोसेस है पीटी का, पीटी एग्जाम का, वो सारा कंप्यूटर बेस्ड है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीटी एग्जाम की टाइमिंग क्या रहेगी। सो इसकी जो टाइमिंग है ना, अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। अब मैं आपको ये बता रही हूं अप्रोक्सीमेटली वर्ड मैंने क्यों यूज किया। दो रीजंस हैं इसके। फर्स्ट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको पीटी एग्जाम में किसी भी टास्क की, अगर मैं बात करती हूँ रीड अलाउड, डिस्क्राइब इमेज, किसी भी टास्क की अगर आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके साथ वाला जो स्टूडेंट है उसको भी 5 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करेंगे, उससे कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। तो इसका जो कम ज्यादा क्वेश्चंस का जो इफेक्ट है वो सीधा किसके ऊपर पड़ेगा, टाइमिंग के ऊपर। तो मैंने यूज किया अप्रोक्सीमेटली। उसका सेकंड रीजन एक और है, अगर आपका एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, सेकंड क्वेश्चन करते हो, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, तो इस चीज का इफेक्ट भी डेफिनेटली आपके टाइमिंग पे पड़ेगा। आपका एग्जाम जल्दी फिनिश होगा। और कई बार क्या होता है, हम नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करते, वो लाइन बाय लाइन जो है नेक्स्ट नेक्स्ट होगा, तो वो भी टाइमिंग पे आपका इफेक्ट पड़ेगा। सो इसी वजह से मैंने वर्ड यूज किया अप्रोक्सीमेटली। सो अब मैंने आपको ये तो डिस्कस किया कि पीटी में कितने मॉड्यूल्स होंगे, बट अगर मैं पार्ट्स की बात करूं ना, आपका पीटी का एग्जाम 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें आएगा आपको स्पीकिंग एंड राइटिंग, इन दोनों को क्लब करके पार्ट 1 बनेगा। और इसके लिए जो आपको टाइमिंग दी जाएगी इन दोनों चीजों के लिए, वो आपकी है 54 to 67 मिनट्स। टाइमिंग जैसे मैंने आपको अभी बताया था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, बट वो 54 to 67 मिनट्स के बीच में होगी।
सेकेंड जो आपका पार्ट है वो रहेगा आपका रीडिंग का, और उसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा दैट विल बी 29 to 30 मिनट्स. थर्ड एंड द लास्ट पार्ट विल बी योर लिसनिंग सेक्शन. इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा दैट इज 30 to 43 मिनट्स के बीच में आपको दिए जाएंगे लिसनिंग को अटेम्प्ट करने के लिए. सो आज की वीडियो में मैंने जो भी पीटी एग्जाम का लेआउट था वो आपके साथ डिस्कस किया. सो आई होप आई डिडंट बोर यू, दिस वुड बी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू. सो लीव योर कमेंट्स एंड लाइक सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.